नसीर सोलंकी अपने प्रचार अभियान के दौरान दिवाली की रात वो वन खंडेश्वर मंदिर पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था, तो वहीं नसीम सोलंकी के शिव मंदिर जाने पर अब जंग छिड़ गई है, जिस पर नसीम सोलंकी ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि वो सारे धर्मों को मानती हैं। वहीं नसीम सोलंकी की इस हरकत पर भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उनका कहना है कि उनके मंदिर के प्रबंधक से बात हुई है, जिस पर पता चला कि ये पूरी घटना उनके संज्ञान में नहीं है। वहीं इन सबके बीच नंदकिशोर गुर्जर का भी बयान सामने आ रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि घर वापसी की इच्छा है तो सनातन में स्वागत है। मंदिर गए थे उसी दिन, हम गुरुद्वारे भी गए थे उसी दिन रात में, और अभी हम एक आध दिन में चर्च भी जाएंगे और हम दरगाह भी गए। शुरुआत हमने अजमेर शरीफ से करी है, तो कहीं कोई वोट के लिए हम नहीं जा रहे हैं। मेरा जो कार्यकर्ता मेरे साथ चलता है, जो मेहनत कर रहा है, तो उनकी खुशी के लिए उन्होंने बोला वहाँ दिया लगा जलाना है और मुझे जो है अपने परिवार को आप दिवाली की शुभकामनाएं, तो बस इस वजह से हमारा जाना हुआ था मंदिर। मतलब आप सभी को साथ लेकर चले? बिल्कुल, हम हर धर्म के साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि हर धर्म मुझे और मेरे शौहर मेरे मरहूम ससुर सबको वोट करते हैं। उनको भगवान सद्बुद्धि दे, अगर उनको लेना है आशीर्वाद तो जाके उस महिला से ले जिसका घर उजाड़ा है, जाकर मस्जिद में जाकर उसके लिए दुआ करे। उसका मंदिर में जाने के बाद हमने देखा है व्हाट्सएप पे कि बाद में वो कह रही थी, वो मेरी बहन कह रही थी मुझे कुछ लोगों ने जल चढ़ाने के लिए कह दिया, चली गई थी। तो वो तो जो उसके साथ चलने वाले लोग हैं वो बेचारी कह रहे कि क्या जो कहता है वो करती है। उनके निश्चित तौर से हिंदू धर्म संगठनों ने उस मंदिर को धोया है और उस मंदिर को पाक साफ किया है। आगे से चूंकि रात के अंधेरे में अकेले गई थी, मंदिर के प्रबंधक से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे मालूम है कि अब वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। अरे वो सब देखिए, ये लोग तो गलत लोग हैं, इसका हम समर्थन नहीं करेंगे। शंकर जी तो सबके हैं, मक्का में भी मुसलमान देवाधिदेव महादेव को ही पूजा कर रहे हैं और यहाँ भी हिंदुस्तान में अगर जल चढ़ाया है तो हिंदुस्तान का, तो मैं बार बार दोहराता आया हूँ कि हिंदुस्तान में मुस्लिम तो बहुत गिने चुने परिवार है, 1 या 2% है, बाकी 99% से ज्यादा यहाँ रहने वाले सभी हिंदू थे, उनके साथ जातियां हुई। तो प्राचीन काल से भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजा करने का प्रधान रहा है, और जिनकी बात कर रहे हो तो सोलंकी है, सोलंकी ठाकुर गुजर और जाट या जो हमारे यहाँ क्षत्रिय वंश है वो होते हैं, तो क्षत्रिय तो भगवान महादेव की पूजा करते हैं, तो उन्होंने अगर जल चढ़ाया है तो इस पे मैं समझता नहीं कि इस तरह की बातें करनी चाहिए। शंकर जी की पूजा करने का अधिकार सभी को है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में हमले में घायल पति की मौत के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ ने मृतक की पत्नी से बेड पर लगा खून साफ कराया। पीड़िता 5 महीने की गर्भवती थी, उसके पति की मौत हो चुकी थी। परिवार के 2 सदस्य पति से कुछ पहले ही दम तोड़ चुके थे। इसके बाद भी स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन ने मानवता नहीं दिखाई, जिसके बाद अस्पताल का बेड साफ करती महिला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही। बता दें कि बताया जा रहा है कि डिंडौरी जिले के गाड़ासरी थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में 1 नवंबर की शाम हुई जमीनी विवाद से जुड़ा ये मामला है। जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष ने पीड़ित परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और इस हमले में पिता समेत उसके 3 बेटों को आरोपियों ने बुरी तरह पीटा और धारदार हथियार से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में घायल बुजुर्ग पिता और उसके 1 बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 भाइयों शिवराज और रामराज को गंभीर हालत में गाड़ासरी में स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। खून से लथपथ शिवराज का स्वास्थ्य केंद्र में पड़े एक बेड पर लेटाकर इलाज किया जा रहा था, इस दौरान उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद उसकी 5 महीने की गर्भवती पत्नी ने उसी बेड को साफ कराया। बता दें कि जिस पर कुछ देर पहले शिवराज की मौत हुई थी। दिल्ली के कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट में भीषण आग की घटना सामने आई है। वहीं इस हादसे में दम घुटने से 2 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। बता दें कि आग की घटना शनिवार और रविवार दरमियानी रात की है। दमकल की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फिलहाल किस वजह से आग लगी इसका अभी पता नहीं चल पाया है। सूत्रों के मुताबिक घटना में मरने वाले 2 लोग घटना स्थल के समय सो रहे थे। आग लगने के बाद दोनों कमरे से बाहर नहीं निकल पाए, जिसके कारण दम घुटने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस आग कैसे लगी इस मामले की जांच में जुटी है।
बता दें कि कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर मार्केट में से एक है। नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।